आपके घर को हो क्या गया है? अनहैप्पीली एवर आफ्टर की तस्वीर इसे कहते हैं। जहाँ घर में सिर्फ हंसी मजाक और पागलपन रहता था, वहाँ सूनापन रहने लगा है। जहाँ एक दूसरे की प्लेट से निवाला चुरा के खाते थे, वहाँ अब एक दूसरे के साथ बैठ के खाना भी खाए हुए अरसा हो गया। शिवम, इस घर के सब लोग अकेले हो चुके। 6 साल पहले मेरे ही कहने पर ऋत्विक और पलक अलग हुए थे। ऋत्विक, I'm pregnant। और ये बच्चे तुम्हारे नहीं है। मेरे परिवार को एक कर दे बेटा, मेरे ऋत्विक पलक को मिला दो। Get ready दिल्ली वालों, दुल्हनिया is coming। वेलकम होम। हमारी जी और दिया बहुत शैतान है। जब ऋत्विक और पलक आमने सामने होंगे तो क्या होगा? Girl, watch me। तुझे मेरी हेल्प करनी है। मैं ऋत्विक भैया से ना पंगा नहीं लेने वाली। मेरी फैमिली से दूर रहो, समझी? इतने सालों की नफरत को भुलाना, तुझे क्या लगता है ये सब इतना आसान है? पापा! मैं आपका पापा नहीं हूँ। मैंने अपना सब कुछ छोड़ा था उसके लिए। कुछ नहीं सुनना मुझे। अपने आखिरी दम तक लड़ाई नहीं छोड़ेंगे। I won't let you do this. I don't fucking trust you anymore. मुझे डिवोर्स चाहिए। आप दोनों को 15 दिन एक साथ रहना होगा, वरना कोर्ट आपको 6 महीने रहने के लिए कंपेल करेगा। 15 days, not a second more. Anything to get rid of you. पहले मोटे में दिला तुम। मोटा नहीं हूं मैं, तुम कौन सा कोई हूर की परी हो? हाँ,